जो भी मेरे वीडियो पे नए आ रहे हैं, जो भी इंसान पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सिर्फ वीडियो ना देखें, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना या शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम निमा तमंग है। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। पिछले मुझे 5 सालों से IBS था। अभी फ़िलहाल जो मैं पूरा फिट एंड फाइन हूँ। जब मुझे IBS हुआ था तो मेरे को लगता था कि मैं जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि दिन भर मुझे काम करने का मन नहीं लगता और खाने का मन नहीं करता। थोड़ा सा कुछ बाहर का चीज़ खा दिया तो एकदम पूरा सर में दर्द, पेट में दर्द, गैस, पेट फूला ऐसा रहता था। हर दिन हर रात मतलब सर दर्द ऐसा हमेशा होते रहता था। और मैं ट्रीटमेंट के लिए मतलब इधर इधर बहुत गया। मैं यहाँ से दिल्ली भी गया, दिल्ली से गुजरात गया, गुजरात न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट पे। तो मैं वहाँ पर लालमणि मौर्या के पास गया था, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के पास गया था। तो वहाँ पर जाके मैंने 4 महीना ट्रीटमेंट करवाया। तो 4 महीने ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिखा, 1% भी मतलब फ़र्क नहीं मिला मुझे। तो उसके बाद फिर मैं वापस घर पे आया। घर पर आने के बाद मैंने फिर मतलब कुछ YouTube पे मतलब ऐसे टाइम पास वीडियो देख रहा था, तो मैंने विकास गुप्ता सर जी के वीडियो मिला। तो मैंने उनसे उनका वीडियो देखा, मतलब पीछे वाले वीडियो जो डाले थे, उन्हें अपलोड किए थे, वो वीडियो भी देखा मैंने। तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत मतलब बोल रहे थे सर भी, मतलब परेशान थे उनको भी मतलब IBS थे कुछ सालों से, तो उन्होंने भी उसी मेडिसिन से ठीक किया बोल के उन्होंने भी बता रहा था उस वीडियो पे। तो मैंने डायरेक्ट सार से मतलब कांटेक्ट कर लिया, वहीं से मतलब कांटेक्ट नंबर लेके, मतलब यूट्यूब से कांटेक्ट नंबर लेके मैंने सार से कांटेक्ट कर लिया। तो उसके बाद मुझे कांटेक्ट करने के बाद मुझे सार ने बोला, तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम है सर। मैंने बोला कि सर मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, ऐसे IBS प्रॉब्लम है, 5 सालों से मुझे दिक्कत है, मैं कुछ खाने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता, लगता है कभी मर जाऊँ, कभी कभी सांस फूलने का ऐसा मतलब इतना कमज़ोर हो चुका था कि लाइफ में जीने कुछ हालात ही नहीं था, जीने का मतलब ऐसा कुछ हालात ही नहीं था। मतलब सोचता था ये बीमारी से तो बांचने से बेस्ट है कि मतलब मर जाना सही है या सुसाइड करके मर जाना सही है, ऐसा लगता था मुझे। तो मैंने सार से बात किया तो सार ने बताया कि हाँ सही हो जाएगा बीमार बोला। तो सार से मैंने कांटेक्ट करके मतलब सार ने बताया ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने सब चीज़ बताया तो सार ने बताया ये 100% से ठीक हो जाएगा। तो मैंने सार से जो बातें किया तो सार ने बताया, उन्होंने दवा हुआ दिया। और मुझे तो पहले फास्ट फास्ट में शुरू में तो लगता था इस दवाई से भी मेडिसिन से भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, तो ऐसा लगता था मतलब 4-5 दिन हफ्ता दिन तक। तो बाद में जैसे दवाई चालू करते गया तो तब से मैंने मतलब थोड़ा शरीर में मतलब कुछ असर पड़ना शुरू हो गया दवा का। तो जैसे जैसे 1 महीना हो गया तो बहुत असर पड़ना शुरू हो गया। तो उसके बाद 1 महीने के बाद फिर मैंने मेडिसिन मंगवाया, फिर खाया, 2 महीना हो गया, उसके बाद तो और अच्छा हुआ। तो उसके बाद फिर मेडिसिन मंगवाया, 3 महीना हो गया, तो फिर और अच्छा फीलिंग शुरू हो गया। जो चीज़ भी खाता हूँ हजम हो जाता है, दिमाग में वो जो कचरा वचरा क्या क्या सोच आता है वो सब गायब होना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा अभी तो मैं सही में ठीक हो जाऊँगा। तो फिर अभी 4 महीने का दवा ट्रीटमेंट मेरा मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया, मतलब 4 महीने का। अभी तो मैं फिलहाल बहुत अच्छा हूँ, मतलब पूरा किया एकदम जैसे कि मैं अभी पहले जैसा था वैसे हूँ। इतना मैं 100% गारंटी लेके लिख के देता हूँ कि पहले जैसा था वैसे हूँ अभी मैं। थोड़ा मतलब शरीर जो मतलब थोड़ा बॉडी नहीं लग रहा है थोड़ा, फिर भी मैं जैसा हूँ पहला वैसे, मतलब सेम टू सेम पहला का जैसा, मतलब उसमें आ गया पोजीशन में, मतलब जैसे पहले बीमार नहीं था वैसे पोजीशन में आ गया मुझे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि विकास गुप्ता जी ने मुझे मतलब नया जिंदगी दिया है। मतलब कितना आदमी के पास गया, कितना डॉक्टरों के पास गया, साला एक भी डॉक्टरों ने साला कोई सही दवा नहीं दिया। न्यूरोथेरेपी में गया साला, वो लोग भी कुछ कर नहीं पाया। तो मेरे लिए तो विकास गुप्ता सर जी ने भगवान जैसे है। तो मैं भी बोलता हूँ कि आप लोग भी अगर कोई IBS की पेशेंट है या
आईबीएस के पेशेंट, मतलब कोई भी आईबीएस के पेशेंट है, मतलब बहुत सालों से है पुराना, मतलब इधर उधर भटक रहे हो, तो एक बार विकास गुप्ता सर जी से बात कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, मतलब उनका यूट्यूब पे देख लीजिए, आईबीएस स्पेशलिस्ट बोल के है, आईबीएस स्पेशलिस्ट बोल के है उसका यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें सर्च करके देख लीजिए, तो उसमें मिल जाएगी उनका वीडियो, तो वहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके, मतलब आप भी मतलब आईबीएस से, मतलब ये जो बीमार से, मतलब आप भी मतलब वो राहत मिल जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो आप लोग भी सही ठीक हो जाओगे, 100% मैं तो गारंटी लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही मतलब परेशान था, इतना सालों से परेशान था कि मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना अच्छा हो जाऊँ। अभी मैं जहाँ तहाँ घूमता हूँ, सब चीज़ खाता हूँ, वही मैं सिर्फ मतलब जो अल्कोहल लेता हूँ ये सब नहीं लेता हूँ, मैं अल्कोहल पीने का मना है, दारू वारू पीने का मना है, इतना ही मना, और बाद बाकी सब चीज़ खा सकते हैं, वही सर ने भी बताया मुझे, वो सब चीज़ खा सकता हूँ। पहले तो मैं इतना दुबला पतला था कि इसलिए घर से बाहर ही निकालने का मन नहीं करता, आदमी का सामने चेहरा दिखाने का मन नहीं करता, शीशे में चेहरा दिखाने का मन नहीं करता। अभी तो थोड़ा फिलहाल अभी तो मैं मोटा हो गया, मतलब पहले से बहुत ही मोटा हो गया, पहले का फ़ोटो आप लोग देखने से तो चौंक जाना था कि अरे भाई ये तो आज ही काली टपक जाने वाला आदमी है, बोल के ऐसा सोचना था होगा शायद, क्योंकि मैं अभी विकास गुप्ता सर जी की मतलब उसी को मतलब भगवान जैसा मानता हूँ, मतलब मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, और उनका पास कॉन्टेक्ट करके मैं आज फिलहाल एकदम 100% ठीक हूँ। प्लीज़ आप लोग भी मतलब ऐसा आईबीएस बीमार है तो मतलब एक बार विकास गुप्ता सर जी से एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और कॉन्टेक्ट करने के बाद उन्होंने खुद ही बता देते हैं कि कौन सा मेडिसिन लेना है, क्या नहीं खाना है, क्या कैसे सोना है, कैसा दवा लेना है, वो सब बता देंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार कॉन्टेक्ट करके देख लीजिए, मतलब जो भी आईबीएस का पेशेंट है, मतलब जिसको अगर आईबीएस है वो लोग कॉन्टेक्ट करके देख लीजिए, मतलब अगर मेरा सही हो सकता तो आप लोग को भी सही हो सकता है, ये तो मैं 100% लिख कर दे दूँगा गारंटी। जय हिंद, जय भारत।